Wonderful. Good morning, everyone. I am your computer teacher from Premchand Memorial Public School. So, students, today is your computer class. Okay. So, you just listen carefully and try to understand. So, let's start today's class. So, dear students, today we are going to start our chapter number 6, which is Understanding MS PowerPoint 2010. In this chapter, we will learn about importance of presentation through PowerPoint, adding sound and your voice, formatting sound, adding movies and formatting video, using custom animation, using slide transition. Okay? MS PowerPoint 2010 is an application software which is used to make presentations. MS PowerPoint 2010 क्या है स्टूडेंट्स, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूज किया जाता है प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए. इट इज आल्सो अ कंपोनेंट ऑफ एमएस ऑफिस 2010 और ये एमएस ऑफिस 2010 का एक कंपोनेंट भी है. ओके, पावरपॉइंट इज स्टडीड बाय अस इन प्रीवियस क्लास और ये हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा गया है. ठीक है, Now we will know some further aspects of it. अब हम इसके कुछ और भी aspects को जानेंगे. Okay? As we already know, PowerPoint is a software program that enhances oral presentation. और क्या है, जैसे कि हमें पता है कि जो PowerPoint है वो क्या है, एक software program है. Okay? और हम अपनी oral presentation यहाँ पर दे सकते हैं. It operates like an old-fashioned slideshow, but uses modern technology in the form of computers and digital projectors rather than a slide projector. Students, ये जो है ये कैसा है, ये old-fashioned है, but students जब हम इसको present करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर न्यू टेक्नोलॉजी आती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती है. ठीक है, और हम प्रेजेंटेशन को किसके थ्रू दिखाते हैं, हम प्रोजेक्टर्स के थ्रू दिखाते हैं. ठीक है, स्लाइड प्रोजेक्टर्स के थ्रू दिखाते हैं. ओके, एमएस पावरपॉइंट इज अ पावरफुल टूल विच हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट आवर व्यूज एंड आइडियाज इफेक्टिवली यूजिंग टेबल्स, डायग्राम्स, फोटोज, क्लिप आर्ट, साउंड्स, कलर्स, डिजाइंस एंड एनिमेटेड स्पेशल इफेक्ट्स. और स्टूडेंट्स, जो प्रेजेंटेशन है ये क्या है, ये एक पावरफुल टूल है जो हमें हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में. ठीक है, किससे कम्युनिकेट करने में, औरों से कम्युनिकेट करने में. ठीक है, और जो हमारे व्यूज हैं, आइडियाज हैं, उनको अच्छे से प्रेजेंट करने में, रिप्रेजेंट करने में. ठीक है, किनकी हेल्प से, डायग्राम्स, टेबल, फोटोज, क्लिप आर्ट, साउंड्स, कलर्स, इन सभी चीजों की हेल्प से. ओके, एडिंग साउंड. Sound provides a lively effect to a presentation. Student, जो sound है वो क्या करता है, वो हमारे जो presentation है उसके अंदर एक जान डाल देता है. ठीक है, एक सजीव वस्तु की तरह लगने लग जाता है. ठीक है, When you insert the sound or music, then a sound icon appears on the slide. और students, जब आप insert करते हैं sound या music को, तब क्या होता है, जो साउंड आइकन है हमारे सामने अपेयर हो जाता है हमारी स्लाइड पर. ओके, एडिंग साउंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर. यू कैन यूज द फॉलोइंग स्टेप्स टू ऐड अ साउंड टू अ स्लाइड. अब किसी भी स्लाइड पर हमें अगर साउंड को ऐड करना है, सो यू टू फॉलो द स्टेप्स. ओके, फर्स्ट इज क्लिक ऑन द स्लाइड वेयर यू वॉन्ट टू ऐड द साउंड. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें अपनी उस स्लाइड पर क्लिक करना है जहां पर हमें अपने साउंड को ऐड करना है. ठीक है, देन क्लिक ऑन ऑडियो ड्रॉप डाउन ऑफ मीडिया ग्रुप फ्रॉम इंसर्ट टैब. और स्टूडेंट, जो हमारा इंसर्ट टैब है दिस, ठीक है, इस इंसर्ट टैब के अंदर जो मीडिया ऑप्शन है, ठीक है, जो मीडिया ऑप्शन है यहाँ पर, ये देखो, इसके अंदर हमें किस पर क्लिक करना है, ऑडियो पर क्लिक करना है. देखो यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन है, ठीक है, जो ड्रॉप डाउन ऑप्शन है, ठीक है, ये एरो. देन चूज क्लिप आर्ट ऑडियो फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू. फिर हमें किसको चूज करना है, हमें क्लिप आर्ट ऑडियो को चूज करना है. देन
द क्लिप आर्ट टास्क पेन ओपन। फिर स्टूडेंट क्लिप आर्ट टास्क पेन हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ओके, नाउ डबल क्लिक द साउंड क्लिप टू बी इंसर्टेड फ्रॉम द लिस्ट। और फिर हमें क्या करना है, वहां पर हमें डबल क्लिक करना है, ठीक है, जो भी हमें सिलेक्ट करना है। और फिर क्या होगा, जो क्लिप है वो हमारे पास इंसर्ट होकर आ जाएगी, ठीक है, उस लिस्ट में से। अ साउंड आइकन अपीयर्स ऑन द स्लाइड। और स्टूडेंट जो साउंड आइकन है वो हमारे स्लाइड पर दिखने लग जाएगी। क्लिक एंड ड्रैग इट टू एनी लोकेशन ऑन द स्लाइड। और फिर हमें क्या करना है, जैसे ही वो आइकन हमारे सामने आ गया है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके उसको ड्रैग कर सकते हैं जहां पर भी हमें इसको लोकेट करना है, ठीक है। टू प्ले द साउंड ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन क्लिक ऑन द आइकन। और अगर हमें क्या करना है, इसको प्ले करना है, तो हमें क्या करना है, हमें इसके आइकन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, जब हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने प्रेजेंटेशन को। ओके, नाउ एडिंग साउंड फ्रॉम फाइल। अब हम फाइल में से साउंड को कैसे ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन द स्लाइड टू ऐड साउंड। हमें किस पर क्लिक करना है, स्लाइड पर क्लिक करेंगे। ओके, देन क्लिक ऑन द ऑडियो ड्रॉप डाउन ऑफ मीडिया ग्रुप ऑफ इंसर्ट। वही सेम थिंग हम करेंगे, हम इंसर्ट में मीडिया ग्रुप के अंदर से ऑडियो पर क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके जो ड्रॉप डाउन एरो है। ओके, देन सिलेक्ट ऑडियो फ्रॉम फाइल ऑप्शन फ्रॉम द अपीयर्ड मेन्यू। और फिर जो स्टूडेंट हमारे सामने मेन्यू आएगा दिस, ओके, हमें फिर क्या क्लिक करना है, हमें इसको सिलेक्ट करना है, ऑडियो फ्रॉम फाइल, इस पर हम सिलेक्ट करेंगे। देन द इंसर्ट ऑडियो डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। फिर हमारे सामने इंसर्ट ऑडियो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाए। ओके, दिस वन। क्लिक ऑन द साउंड फाइल विच यू हैव टू सिलेक्ट फॉर इंसर्टिंग, देन क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन। फिर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें उस फाइल को क्लिक करना है, ठीक है, हमें जो भी ऑडियो चाहिए उस पर हम क्या करेंगे, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इंसर्ट करने के लिए। सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो आपको इंसर्ट बटन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद। देन अ साउंड आइकन विल बी अपीयर्ड। फिर हमारी स्लाइड पर साउंड आइकन दिखने लग जाएगा, दिस वन। ओके, क्लिक एंड ड्रैग इट टू एनी लोकेशन ऑन द स्लाइड। और फिर हम क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके हम इसे ड्रैग कर सकते हैं किसी भी लोकेशन में। ओके, नाउ क्लिक ऑन द आइकन फॉर प्लेइंग द साउंड ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन। और स्टूडेंट्स, अगर हम इसे प्ले करना है तो हम क्या करेंगे, जब हमारी प्रेजेंटेशन चल रही होती है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और क्या होगा, ये प्ले हो जाएगी। ओके, एडिंग योर वॉइस। यू कैन ऑल्सो मेक योर वॉइस एज पार्ट ऑफ स्लाइड कंटेंट। स्टूडेंट्स, हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, और उसको हमारी प्रेजेंटेशन का एक पार्ट भी बना सकते हैं। यू कैन स्टोर योर कमेंट्री नरेशन ऑन द पार्ट ऑफ दैट। ओके, और हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कमेंट्री और नरेशन को अपनी प्रेजेंटेशन के पार्ट के तरह उसको स्टोर कर सकते हैं। ओके, यू मस्ट हैव अ माइक्रोफोन डिवाइस अटैच्ड टू योर कंप्यूटर फॉर दिस पर्पस। और इस पर्पस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए जो कि हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड हो। यूज द फॉलोइंग स्टेप्स टू रिकॉर्ड योर वॉइस। अब यहाँ पर हमें कुछ स्टेप्स दिए हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लिक ऑन द स्लाइड यू वॉन्ट टू एड अ रिकॉर्डिंग टू। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें अपनी स्लाइड पर क्लिक करना है जिसमें हमें रिकॉर्डिंग एड करनी है। ओके, देन फ्रॉम द इंसर्ट टैब क्लिक ऑन ऑडियो ड्रॉप डाउन एंड देन रिकॉर्ड ऑडियो फ्रॉम द मीडिया ग्रुप। और फिर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, वही स्टेप फॉलो करना है, इंसर्ट टैब के अंदर मीडिया में जाएंगे और फिर हमें किस पर क्लिक करना है, हमें ऑडियो पर क्लिक करना है। ओके, देन रिकॉर्ड ऑडियो। ओके, द रिकॉर्ड साउंड डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। और फिर उसके बाद हमारे सामने रिकॉर्ड साउंड डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। क्लिक ऑन द रिकॉर्ड बटन एंड स्टार्ट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ
माइक्रोफोन। और फिर हमें क्या करना है, हमें रिकॉर्ड पर क्लिक करना है, रिकॉर्ड बटन पर, एंड देन हमें क्या करना है, हमें बोलना स्टार्ट करना है। ओके, देन क्लिक ऑन द स्टॉप बटन व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर रिकॉर्डिंग। और फिर हमें क्या करना है, हमें स्टॉप बटन पर क्लिक करना है जब हमारी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए। ठीक है, देन क्लिक ऑन द प्ले बटन टू लिसन रिकॉर्डेड वॉइस। और फिर हमें क्या करना है, हमें प्ले बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, हमें प्ले बटन पर क्लिक करना है अपनी वॉइस को सुनने के लिए। ओके, देन क्लिक ऑन द ओके बटन टू इंसर्ट द रिकॉर्डिंग। और फिर हमको क्या करना है, हमें ओके बटन पर क्लिक करना है, ठीक है, अपनी रिकॉर्डिंग इंसर्ट करने के लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज क्लास। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क टू मी फ्रीली। सो थैंक यू सो मच।